छूट जाता है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। रात पंजाब में था मलेरकोटला में, जब राजेश भाई का फोन आया और राजेश भाई ने कहा कि कल आपको गुमानी चलना है, क्योंकि गुमानी चल करके हुकूमत का गुमान तोड़ने का काम करना है। तो मैं इनकी बात पर टाल नहीं सका, तकरीबन 1000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करके आपके बीच में आया हूं, और जिस तादाद में आप यहां इकट्ठा हैं, इस तरफ मेरी माएं बहनें बैठी हैं, नौजवान साथी हैं, उधर छतों पर लोग हैं, इस तरफ साथी खड़े हैं, मैं आपसे यह कहने आया हूं मेरे भाई कि मेरी आंखों के सामने ये जो तस्वीर है आलमगीर आलम साहब की, मैं गवाही देते हुए यह बात कहता हूं कि मैंने हिंदुस्तान की सियासत में इनसे शरीफ सियासतदान नहीं देखा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार को ऐसे शरीफ इंसानों से भी इतनी दिक्कत है कि इनको भी बाहर नहीं रहने देंगे, जेल भेज देंगे, और ये सोचते हैं कि हम डर जाएंगे। एक सूबे के चीफ मिनिस्टर को आदिवासी समाज का जो अभिमान है, ऐसे हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया बिना किसी ठोस कारण के। कभी सोचा है ये सरकार इतनी ज्यादती पर क्यों उतारू है? इसलिए क्योंकि सरकार के पैर के नीचे से जमीन सरक चुकी है। मैं केरल से लेकर के आंध्र प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड से लेकर के पंजाब से लेकर राजस्थान से बिहार से बंगाल से दिल्ली से उत्तर प्रदेश से देश के हर कोने से चुनाव प्रचार करता हुआ यहां पहुंचा हूं, और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आने वाली 4 जून को जब हिंदुस्तान के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा तो नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं पूरे देश की जनता का मन समझ करके आया हूं। और आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप इस गफलत में मत रहना कि यह कोई आसान लड़ाई है, यह लड़ाई दो विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ वो खड़े हैं जिनका नाम नरेंद्र मोदी जी है, और उनका हर सहयोगी, उनका हर मंत्री, उनका हर साथी पूरे चुनाव में एक भाषण दोहरा रहा है कि हमें बहुमत दो क्योंकि हमें संविधान बदलना है। चाहे वो अरुण गोविल हो, चाहे वो ज्योति मिर्धा हो, चाहे दिया कुमारी हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे अनंत हेगड़े हो, भाजपा के ज्यादातर नेताओं के भाषण उठा के देख लीजिए, 2 महीने में एक बात पूरी बेशर्मी से भाजपा के नेता बोल रहे हैं कि हमें संविधान बदलना है, इसलिए हमें बहुमत चाहिए। एक तरफ संविधान बदलने की बात करने वाले लोग खड़े हैं, और एक तरफ खड़ा है वो शख्स जिसका नाम राहुल गांधी है, जो ये कह रहा है कि हमारे जिस्म में जब तक जान है तब तक हम हिंदुस्तान के संविधान पर, हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर रत्ती बराबर आंच नहीं आने देंगे। मैं राहुल गांधी का सिपाही बनकर के यहां आया हूं, और आपसे यह कहना चाहता हूं कि झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। विजय हांसदा जी को मैंने देश की पार्लियामेंट में आपके मुद्दों पर लड़ते देखा है इस फासिस्ट सरकार से, चाहे वो आदिवासियों का मुद्दा हो, चाहे अकलियतों का मुद्दा हो, गरीबों का हो, पिछड़ों का हो, मैंने अपनी आंखों से देखा है इन्हें लड़ते हुए। और आज मैं ये कहने आया हूं मेरे भाई कि आप जब 1 जून को वोट देने जाएंगे तो आपका एक वोट 4 काम आएगा। पहला ये कि आप विजय हांसदा जी को जिता करके देश की लोकसभा में पहुंचाएंगे, दूसरा आलमगीर आलम साहब की जेल की सलाखें टूटेंगी और वो जेल से बाहर आएंगे, तीसरा हेमंत सोरेन जी जो आपके चहेते मुख्यमंत्री हैं वो भी बाहर निकल करके आएंगे, और चौथा आप अपने वोट से 1 लोकसभा का सांसद पाओगे और 1 राज्यसभा का सांसद पाओगे। मैं चाहता हूं कि विजय भाई को जब आप जिता करके देश की पार्लियामेंट में पहुंचाइए तो ये देश की लोकसभा में खड़े होकर के आपके मुद्दों पर लड़े, और मैं देश की राज्यसभा में हूं, मैं वहां खड़ा होकर के आपके मुद्दों पर लड़ू। एक जिताओ, एक साथ में फ्री पाओ, इससे अच्छा ऑफर
जून को सरकार बनाओ, 15 अगस्त तक इस देश के 30 लाख नौजवानों को एक झटके में पक्की नौकरी देने का काम करेगी हमारी सरकार। और यहां मेरी माएं बहनें मौजूद है, मेरी आवाज उन तक जा रही है, इस इलेक्शन में सबसे बड़ा तो फायदा आपका है। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो जानते हैं क्या कह रहा है? मैं उस मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर हूं, सबसे कम उम्र का, मैंने बनाया है उस मैनिफेस्टो को। उसमें लिखे गए एक एक लफ्ज आपके इस भाई की कलम से भी निकले हैं। वो मैनिफेस्टो कह रहा है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, इस देश की हर गरीब परिवार की महिला को महालक्ष्मी योजना के तहत सीधे उसके अकाउंट में 1,00,000 रुपया डायरेक्ट दिया जाएगा सालाना, यानी कि 8,500 रुपए महीना।